शाम के 5 बज गए हैं, मुझे लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। वो ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये ओ हो तूफ़ानी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं ज़बरदस्त किस्म की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 18 अगस्त और आज का जो है वो पार्ट 2 है हमारा कराची टू कुमराट वैली। अच्छा, हुआ कुछ सीन ये कि कल जो है रात को तकरीबन कोई 11:30 बजे जो है हम बहरा एक शहर है इस्लामाबाद से कुछ घंटे के पहले, वहाँ पे हमने रात को जो है वो स्टे किया। इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल जगह, इतनी बसेस आ रही थी वहाँ पे और इतनी गाड़ियाँ। और रात को वैसे तो हमने जो है डिनर किया था और डिनर करने के बाद जो है वो मेरे जो तीनों ट्रैवल पार्टनर हैं यानी कि शेफ़ सादात और वकास और यूसुफ, ये तीनों तो जो ग्रीन बेल्ट पे था उस पर जाके सो गए जी। ये चेक करें, ये हमारे माशाल्लाह से यूसुफ भाई सो रहे हैं और यहाँ पे अगर जाएँ तो वकास एंड सादात भाई स्लीपिंग। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और सोने के बाद मैंने बड़ी कोशिश करी लेकिन मैं ना सो सका क्योंकि पूरी रात जो है वो गाड़ियों की हॉकिंग चल रही थी, विस्लिंग हो रही थी, चिटचैट चल रही थी, एक हंगामा लगा हुआ था वहाँ पे। बहरहाल जितना मैं रेस्ट कर सकता था मैंने रेस्ट किया और ऑलमोस्ट जो है वो फजर की नमाज के बाद जो है हमने वहाँ से कॉफ़ी ली और कॉफ़ी लेने के बाद वहाँ से हम निकल पड़े। और जैसे ही हमने वो बहरा जो है वो क्रॉस किया तो मौसम में एक वाज़े तब्दीली नज़र आई, यानी कि ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई और साथ साथ जो है वो एकदम से सीनरी चेंज हो गई। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले यानी कि वो पहाड़ों का नज़र आना, वो सारी चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट जो चीज़ें हम लोग देखना चाह रहे होते हैं ना, और वो हमें नज़र आना शुरू हो गई। अच्छा, वहाँ से जो हमने ड्राइव स्टार्ट की तो हम फिर किसी शहर रुके नहीं, हम जो है हमने कोशिश करी कि डायरेक्ट जो है मतलब कुमराट जाएँ। लेकिन कुमराट जाने से पहले जो है वो वकास जो हमारे साथ हैं उन्होंने कह दिया कि यार ऐसा करते हैं कलाम चलते हैं, थोड़ा कलाम इंजॉय करते हैं, देन कलाम से जो है वो कुमराट का ट्रैक करेंगे। तो फिर हमने जो है कलाम के लिए सफ़र को जो है वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, कलाम वी हैव नो आइडिया, हमें पता ही नहीं था, हमें अंदाज़ा नहीं था कि कलाम के अंदर जो है इतना ट्रैफिक, इतना रश, अनएक्सपेक्टेड क्राउड आया हुआ था इतना ज़्यादा। बहरहाल किसी न किसी तरह हमारा जो समझ लें कि 2 घंटे का सफ़र था वो 4 घंटे से भी ज़्यादा का हो गया और हम मुसलसल गाड़ी के अंदर बैठे। मैंने चाहा बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना लेकिन मैंने कहा यार अब जब मैं अपनी इंशाअल्लाह ताला बाइक राइड पर आऊँगा तो होपफुली इन सारी चीज़ों को कैप्चर करूँगा। अभी तो कुमराट का सीन है तो मैं उसी को करूँगा। और एक्टिविटी ये है कि एक आध जगह हमने जो है वो कल भी जो है हमने खाना कम से कम किया, हमने जूसेस और दूसरी लाइट चीज़ों का खाना खाया और आज भी हमने सुबह कॉफ़ी पी, दैन हमने जो है कोई और एक जगह पे हमें गन्ने का रस नज़र आया तो वो हमने पिया। और इस तरह करते 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 जो है ना हम सबसे पहले मदयन पहुँचे और मदयन के पास जो है बाकी सिलसिला जो है वो चलता रहा। तो फुटेज इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन जो मैं छोटी छोटी चीज़ें करता था ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे तो उसको चल के देखते हैं और क्या क्या हुआ। और उसके बाद हम होटल के रूम में पहुंच चुके हैं तो आइए ज़रा उस फुटेज को देखते हैं। मदियन से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और कल का दिन तो बड़ा सफ़र में गुज़रा और आज का भी दिन काफ़ी सफ़र में गुज़रा। और हम सुबह जो है वो तकरीबन 6:30 बजे भैरा से निकले थे और भैरा के बाद नॉन स्टॉप चलते हुए हमने सारा क्रॉस करते हुए अब राइट नाउ स्वात में इंटरव्यू और स्वात के बाद हम हैं मदियन में। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत मज़े का और रिफ्रेशिंग सी जगह है। अभी मैं आपको सारे व्यूज़ देता हूँ, चीज़ें दिखाता हूँ और आज का अब आगे सिलसिला क्या चलता रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। हैक्टिक बहुत हो गया, वेरी लंबी ड्राइविंग हमारे जो वकास है उसने करी है, माशाल्लाह मुसलसल ड्राइविंग करते हुए आ रहे हैं। और यार चक्कर ये है कि ड्राइविंग जो है ना वो मैंने नहीं करी और वकास ने करी थी, थोड़ी सी यूसुफ़ ने करी और साथ भाई ने भी थोड़ी बहुत करी, लेकिन मैंने ड्राइविंग नहीं करी क्योंकि चल रही थी तो मैंने कहा यार चलो ड्राइविंग में दो। तो यहाँ का एंजॉय करते हैं, सेकंड डे है हमारा और फर्स्ट डे। उम्मीद है आपको दो पार्ट्स में व्लॉग से पसंद आए होंगे और आज क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, ये सब आपको अब फ्रिक्वेंटली मिलता रहेगा। तो तकरीबन इस वक्त जो है वो 12:30 बज रहे हैं, 18 अगस्त है, 12:30 बजे का टाइम है और मदियन में है इस वक्त। तो लेट्स गो डिस्कवर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें शाम तक क्या होता रहेगा आपको आज के व्लॉग में मिल जाएगा। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं कलाम में, तो मे बी कलाम में स्टे होगा हमारा आज का। तो सादत भाई और बाकी लोग, ये एक होटल है वकास भाई के जानने वाले का और उसमें गए हैं। मेरी बिल्कुल बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, चेक करने रूम्स वग़ैरह। गाड़ी यहीं खड़ी हुई है और अगर मेरे अतराफ़ में आप लोग देखें तो ज़बरदस्त किस्म के पहाड़, खूबसूरत तरीन, अरे वो देखिए टॉप पे नज़र आ रहा है पहाड़ हैं और अखरोट का दरख्त लगा हुआ है ज़बरदस्त किस्म का। और फाइनल हो रहा है डिसीजन, तो लेट्स सी कि अगर यहाँ पे स्टे करते हैं या कहीं और स्टे करते हैं या कैंपिंग करते हैं। तो कलाम हम पहुँच चुके हैं, वेरी टफ़ ड्राइविंग, इसको कहते हैं टफ़ ड्राइविंग। ख़तरनाक रास्ते, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, लोग नहीं हम समझे थे, हमने टर्न मार लिया था यहाँ कलाम के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा, बट पहुँच गए। लेट्स सी अभी क्या फ़ाइनल करते हैं और फिर आगे की वीडियो को हम अपडेट करते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और फाइनली हम यहाँ पर कलाम के अंदर एक बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस दफ़ा इतनी पब्लिक आई हुई है, इतने लोग आए हुए हैं, इतनी गाड़ियाँ थी कि हमें ये सफ़र तय करने में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा टाइम लगा। तो 5 बज गए हैं बस। अभी हमने एक काबली पुलाव खाया है और मौसम एकदम चेंज हो रहा है। अगर आप ऊपर की तरफ देखिए क्लाउड्स आ गए, हवा ख़तरनाक सी चल रही है और मे बी बारिश शुरू हो जाए। वेदर का इस वक्त कंडीशन ये है कि वेदर ठंडक तो है, और अगर मैं आपको थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ। अभी हम अपने होटल के अंदर रुके हैं और कल प्रोग्राम है यहाँ से कुमराट वैली की तरफ जाने का। ज़बरदस्त किस्म की तूफ़ानी हवा चल रही है। मेरी बैक साइड पे दरख्त आप देखें, अभी मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये देखें बादल इस वक्त आ चुके हैं और कलाम के अंदर ये होटल की बालकनी से मंज़र है। हवा चल रही है, हल्की हल्की सी फुहार पड़नी शुरू हो गई है और हो सकता है कि बारिश भी यहाँ पे मिल जाए। देखें सुबह का क्या प्रोग्राम आता है। अभी तो होटल में है, रास्ते की चीज़ें आपको नहीं दिखा सका इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें दिखाने की थी। अगर सब कुछ दिखाता तो कुछ मैंने नेक्स्ट ट्रिप के लिए छोड़ दिया। जब मैं अपनी बाइक पे आऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करूँगा, बहुत सारी शेड डिस्कवर करूँगा। लेट्स सी के मौसम क्या होता है। शाम के 5 बज गए हैं, मुझे लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये, ओ हो तूफ़ानी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, ज़बरदस्त किस्म की। तो चलता रहेगा ये सफ़र। ज्वाइन करने का शुक्रिया अगर आपने वीडियो देखी है। और अभी आगे बहुत कुछ है, अब क्या होता है एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे। तो बस यहाँ पर अभी फ़िलहाल अगर आगे देखें आप, अगर आपको नज़र आ रहा हो वहाँ कुछ डस्ट सा माहौल हो गया और बादल भी आ गए। तो चलें यहाँ से अभी फ़िलहाल इस वक्त की वीडियो को ऑफ़ करता हूँ और फिर आगे देखें आपके लिए क्या और चीज़ें लेकर आते हैं। अच्छा जी, तो फाइनली राइट नाउ इस वक्त 7 बज गए हैं। सादत भाई और ये लोग जो हैं वो कहीं आई थिंक कुछ खाना वगैरह लेने गए हैं, चाय का मुझे कह रहे थे, लेकिन उस टाइम लेटा हुआ था। और इस वक्त होटल की बालकनी में हूँ मैं। उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज का व्लॉग थोड़ा इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। काफ़ी कुछ जो है वो हमने ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे जो है वो गाड़ी के अंदर हमने ड्राइव किए और वहाँ पे गुजारे। तो इंशा अल्लाह कल सुबह हम यहाँ से कलाम से कुमराट के लिए निकल रहे हैं। तो लेट्स सी कि वो क्या एक्साइटेड होगा। अच्छा, हुआ क्या सीन कि जब हम अपने होटल आए थे, होटल आने के बाद हम गए ओशू फॉरेस्ट। हमने कहा कि वहाँ पे जाके कुछ कैंपिंग वगैरह करें, क्योंकि कैंप हमारे पास था। बट अनफॉर्चुनेटली जितना रश कलाम सिटी के अंदर था उससे ज़्यादा हमें ओशू फॉरेस्ट में नज़र आया, क्योंकि ओशू फॉरेस्ट में लोग कैंपिंग करते हैं। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट रश इस कदर था कि हमने आइडिया को चेंज किया। ओशू फॉरेस्ट से वापस हमने जो है ना वो जो हम अपने होटल को देख के आए थे उसमें आके हम रुक गए और यहाँ पर जो है फिर हमने कहा है कि नाइट स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं, चिल करते हैं और मॉर्निंग में इंशाअल्लाह यहाँ से निकलेंगे कुमराट की तरफ। तो इंशाअल्लाह कुमराट में जो है वो सुबह जो है आपसे मिलेंगे। और उसके बाद जो है अभी तक के अगर ट्रिप अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, हमें ये सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। राइट नाउ आज के दिन के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। कल से एक नया सफ़र शुरू यहाँ से। और इस वक्त मेरे जो हैं वो सोशल मीडिया हैंडल डाल देंगे, वहाँ पे मेरी सारी स्टोरीज़ चल रही होती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।